गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग राहुल, अनु। गुड मॉर्निंग अभिषेक, रंजीत। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि बच्चों सभी लोग अभी राखी के त्योहार के बाद फिर से मन लगा लीजिएगा। मन तो नहीं भटक गया राखी के त्योहार में? चलिए, कैसा रहा बच्चों रक्षाबंधन? कैसा रहा आप सभी का? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? दीजिएगा, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? हाँ, घर आ गए हो। आजकल पढ़ाई तो घर से ही हो जाती है ना। पहले ऐसा होता था कि भाई कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, रक्षाबंधन मनाने घर गए हैं, ठीक है, तो वो चीज हो जाती थी। अब आजकल तो सब घर से ही चल रहा है, आजकल तो सब घर से ही चल रहा है। तो आई होप कि ओके हो जाए। थैंक यू। आजकल तो सब घर से ही चल रहा है, तो बस चलिए बच्चों। हाँ, ये बेनिफिट है, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मिठाई वगैरह थोड़ी सी कंट्रोल में खाई कि नहीं? मुझे क्या, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली तो जुकाम हो गया हल्की सी सर्दी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द एकेडमी लेट्स क्रैक इट, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड आई एम कृष्णपाल सिंह, एन एडुकेटर फॉर गेट एडीएससी। आई हैव मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द गेट एडीएससी एंड आई हैव आल्सो द एक्सपर्टाइज फैकल्टीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मशीन डिजाइन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एंड आई हैव आल्सो गेट रैंकर 4 टाइम्स एज पर क्वालिफाइड वेरियस पीएससी एग्जाम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, आज एम वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार एनटीपीसी यूपीआरबीएल एमपीपीसी शेयर एंड सम अदर एंड आई वर्क एज अ फ्रीलांसर फैकल्टी इन द वेरियस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया एंड आई मेंटर मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ड्यू टू दिस फॉर 5 ईयर टीचिंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा शंकम, वेरी गुड मॉर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि बेटा यहां पर आपको सबसे पहले मिलती है स्पेशल क्लास। यू गेट द स्पेशल क्लास ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय यूजिंग माय कोड KPSYT। यू कैन एनरोल इन दिस स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में बेटा एनरोल कर सकते हैं आप लोग एज वेल। यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस फॉर आइकोनिक्स प्लेटफॉर्म। एज बच्चों प्लस और आइकोनिक की क्लासेस भी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही मिलती हैं। एंड आप हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई, इसको सब्सक्राइब कर लें बच्चों, सो दैट कि जब भी मेरी क्लास होंगी यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। स्पेशल क्लास यूट्यूब चैनल पर क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जबकि प्लस और आइकोनिक पर हमारी पेड क्लासेस। एंड दिस इज माई प्रोफाइल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो माई प्रोफाइल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जिस बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सो दैट, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैं कंडक्ट करता हूँ टेस्ट। हियर आई कंडक्ट द टेस्ट आफ्टर द एवरी क्लास। इट विल बी टुमारो मॉर्निंग एट 8:45 AM टू 9:45 AM, ठीक है बच्चों? एक टेस्ट होगा टुमारो ऑनवर्ड। सो इसके लिए बेटा ये मैं स्पेशल क्लास पर कंडक्ट करता हूँ, फॉलो मी सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। एज अ बच्चों यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको डेली लाइव क्लास, लाइव प्लेसमेंट कोचेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एसेस, दिस ऑल फीचर्स यू गेट ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एज बच्चों इंडिया टॉप मोस्ट एडुकेटर्स आपको सीखने का मौका मिलता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस पर आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश एंड हिंदी, डाउट सॉल्विंग, दिस ऑल फीचर्स यू गेट ऑन द प्लस। एंड ऑन द आइकॉन अगर बात करेंगे बच्चों, दे स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, पेटी स्टडी मटेरियल, पर्सनल टेस्ट मैसेज, दिस ऑल फीचर्स यू गेट ऑन द आइकॉन। प्लस और आइकॉन में जो भी सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू कंफर्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। एज बच्चों प्लस पर अगर हम देखेंगे 3 मंथ टू 24 मंथ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल। यूज दिस कोड एंड गेट द 10% डिस्काउंट ऑन दिस, और आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको अमाउंट पे करना होगा। एंड ऑन आइकॉनिक एज वेल यूज द सेम कोड एंड गेट द 10%। And this is the batch is started 18th August onward for the year 2022 by the Rajiv Singh sir. So you can enroll in this batch by subscribing. So subscribe by using my code KPSYT, yes, KPSYT, and get the 10% discount. And there is a way to get the scholarship on the Unacademy Plus subscription. Unacademy Combat, this is conducted on every Sunday. नेक्स्ट अकेडमी कॉम्बैट विल बी ऑन द नेक्स्ट संडे एट 11 AM, ठीक है? यह 20 क्वेश्चन इन द 60 मिनट आपको सॉल्व करने होते हैं। यूज माई कोड KPSYT टू एनरोल इन दिस। एज बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 100% स्कोर से मिलता है टॉप 3 रैंकर को, 75% 4 to 10 एंड 50% 11 to 50 एंड 25% 51 to 100 रैंकर को।
बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्कूल्स फॉर द लर्नर, नेवल मिशा क्लास, दिस ऑल मतलब यू गेट द नोटिफिकेशन बिफोर द लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल आप एनी टाइम एलवीआर डिवाइसेस पर ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज द बक्स वॉरंटी फॉर द इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, यू कैन रिपोर्ट दिस टू द अनअकैडमी, दैट्स ऑल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेल्डिंग जॉइंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेल्डिंग. तो आप लोग वेल्डिंग पढ़ चुके हैं ना, आप लोग वेल्डिंग पढ़ चुके हैं ना पहले, अभी अंतिम बैच में वेल्डिंग आप लोग पढ़ चुके हैं ना, कंप्लीट हो गया वेल्डिंग, बताइए जरा. बताइए 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 जरा, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा. हो गया ना वेल्डिंग? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. तो फिर तो वेल्डिंग, तो मतलब फिर इसका मतलब क्लियर कि आपको वेल्डिंग के बारे में तो आता है, बस मुझे वेल्डिंग को डिजाइन करवाना है, वेल्डिंग को डिजाइन करवाना है, ठीक है बेटा. तो आपने पढ़ा होगा वेल्डिंग, तो वेल्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, लाइक वेल्डिंग जॉइंट, वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड, वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ द जॉइनिंग मेटेलिक पार्ट्स बाय हीटिंग टू अ सुटेबल टेम्परेचर विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर. तो बेटा वेल्डिंग जॉइंट की जो एप्लीकेशन है ये तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है. वेल्डिंग जॉइंट की जो डेफिनेशन है, वेल्डिंग की जो डेफिनेशन है उसमें तो कुछ डाउट बचा नहीं होगा. तो वेल्डिंग क्या होता है बच्चों, दिस इज द वन ऑफ द वन काइंड ऑफ द परमानेंट जॉइंट, वन काइंड ऑफ द परमानेंट जॉइंट होता है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं टू और मोर देन टू पार्ट्स को बेटा क्या करते हैं, असेंबल करते हैं बाय मींस ऑफ द हीटिंग. हीटिंग करते हैं उसको, पहले हीटअप करते हैं अप टू द सुटेबल टेम्परेचर, हीटअप करते हैं. हीटअप करने के बाद आपने देखा होगा जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है तो उसमें हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं, ठीक है. और अगर आपने देखा होगा कि सबमर्ज वेल्डिंग तो उसमें प्रेशर अप्लाइड नहीं करते हैं, तो वहां पर बेटा क्या करते हैं, एक जॉइंट बनाते हैं विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर. सो दिस इज द वेल्डिंग, ठीक है. ये तो सिंपल सा आपको हुआ वेल्डिंग. अब बेटा आपको यहाँ पर आज जो पढ़ना है ना, वो हमारा इंटरेस्ट वेल्डिंग में नहीं है, आज हमारा इंटरेस्ट बच्चों यहाँ पर किसमें, वेल्डिंग जॉइंट्स में. वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है कि वेल्डिंग जॉइंट आपका होता क्या है और वेल्डिंग जॉइंट को बेटा हम किस प्रकार से डिजाइन करने वाले हैं. देखिए बेटा वेल्डिंग जॉइंट हम जब बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बना होता है. अभी बेटा हम इसका बेसिक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई बच्चे लापरवाही नहीं करेगा, बिकॉज अभी अगर बेसिक मिस कर दोगे ना तो फिर पूरे टाइम वेल्डिंग में आप लोग परेशान रहोगे. जस्ट लिसन केयरफुली. देखो बच्चों, दिस इज द बेस मेटल, ये जो दो प्लेट्स हैं जिन प्लेट्स को हमको बेटा क्या करना होता है, ज्वाइंट बनाना होता है, जिन प्लेट्स का हमको ज्वाइंट बनाना होता है उन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, बेस मेटल. दिस इज द बेस मेटल, ठीक है. और ये भी हमारा, ये दोनों बेस मेटल हुआ. एंड बेटा ये ज्वाइंट बना हमारा, ये ज्वाइंट बना यहाँ पर हमारा, ये ज्वाइंट बना. देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पोर्शन को, इस पोर्शन को जो होता है ना, ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द फेस, दिस इज कॉल्ड द फेस, ठीक है. ये फेस होता है बच्चों हमारा, एंड दिस इज द रूट, ये रूट हो गया बच्चे, ये फेस हो गया हमारा. दिस इज द हाइट, जो यहाँ पर हाइट बनी हुई, दिस हाइट इज कॉल्ड दिस हाइट, जो प्लेट की थिकनेस के बराबर है, दिस इज थ्रॉट,
दिस इज द थ्रॉट, ठीक है बच्चे। और प्लेट की थिकनेस से यहां तक की जो हाइट होती है, दिस हाइट इज कॉल्ड द री इनफोर्समेंट एंड दिस इज द बैकिंग स्ट्रिप, सॉरी दिस इज द बैकिंग स्ट्रिप, ठीक है बच्चे। अब इसके अलावा आपने एक टर्म और पढ़ा होगा यहां पर, हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन क्या क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द हीट अफेक्टेड जोन? नाम सुना है? लाइक आपने देखा होगा कि इतना एरिया, इतना एरिया, ये इतना एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया अगर हम देखेंगे बच्चों, दिस एरिया, दिस इज द हीट अफेक्टेड जोन। नाम सुना बच्चों, ये क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द हीट अफेक्टेड जोन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द हीट अफेक्टेड जोन? कैसा पढ़ रहे हैं आप लोग? बेल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग कैसा पढ़ रहे हैं, वो भी यहां पर कवर होता चलेगा, बताइए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस। एंड बेटा यहां पर जो जंक्शन बना हुआ है ना फेस और बेस मेटल के बीच में, जो यहां पर जंक्शन बना हुआ है, दिस जंक्शन, दिस जंक्शन, दिस कॉल्ड द, नहीं बेटा टेम्परेचर हाई क्यों होगा? टेम्परेचर हाई को हम हीट अफेक्टेड जोन थोड़ी ना बोलेंगे, टेम्परेचर हाई को हीट अफेक्टेड जोन थोड़ी ना बोलेंगे। देखो बेटा अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, तो इस प्रकार से बेटा हमने क्या किया, जिन दोनों प्लेट्स को हमको ज्वाइंट करना है, दोनों प्लेट को हमने अलाइंस किया, इस प्रकार से अलाइंस किया। अलाइंस करने के बाद बेटा हमने क्या किया, यहां पर बेस मेटल थी और फिलर मटेरियल वगैरह वो थिकनेस पर डिपेंड करता है, थिकनेस वगैरह पर डिपेंड करता है, वहां से बेटा हमने क्या किया, इस पर बेल्डिंग की। तो बेल्डिंग करने के बाद जॉइंट कुछ इस तरह से बन गया, कुछ बेल्डिंग करने के बाद जॉइंट इस तरह से बन गया। तो बेल्डिंग का जो टॉप वाला पोर्शन रहता है, टॉप पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द फेस एंड बॉटम पोर्शन इज कॉल्ड द रूट, दिस इज द रूट, ये रूट होता है। एंड बेटा अगर हम देखेंगे दिस हाइट जो यहाँ पर रहने वाला ना क्रॉस सेक्शन, जहाँ पर प्लेट की थिकनेस के बराबर जो थिकनेस रहेगी ना, दिस इज कॉल्ड द थ्रोट। अगर कह सकते हैं मिनिमम क्रॉस सेक्शन विच इज रजिस्टिंग द फोर्स, जो बेस मेटल पर लोड वगैरह आना उसको रजिस्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द थ्रोट। और बेटा बेस मेटल और फेस के बीच में जहां पर जो जंक्शन होता है, बेस मेटल एंड फेस के बीच में जहां पर जंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द टॉय, ये टॉय कहलाता है बच्चों हमारा। और बेटा यहां से प्लेट से लेकर के जितना जो पार्ट निकला रहता है फेस के टॉप पोर्शन तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। बॉटम में बेटा क्या होता है, बैकिंग स्ट्रिप भी प्रोवाइड की जाती है, बैकिंग स्ट्रिप भी यहां पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बैकिंग स्ट्रिप भी कभी कभी यहां पर प्रोवाइड की जाती है, कभी जरूरत पड़ती है। और हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है बच्चों, एक्चुअली मैंने बताया देखो यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन में, बाय हीटिंग टू अ सुटेबल टेम्परेचर, मतलब बेटा हम क्या करते हैं जब यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो पार्ट को हीट अप करते हैं, तो ये वाला आसपास वाला पार्ट जो होगा ना, कुछ जहां पर वेल्डिंग होगा उसके आसपास वाला पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, आसपास वाला पार्ट भी हीट अप हो जाएगा। जब आसपास वाला पार्ट हीट अप हो जाएगा बच्चों तो ये क्या होगा, कूल होगा, ये जो कूल होगा, जब ये कूल होगा तो इसके बेटा जो माइक्रो स्ट्रक्चर है ना उसमें चेंजेस हो जाते हैं, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर है ना उसमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू द अनइवन कूलिंग, ड्यू टू द अनइवन कूलिंग। तो माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं तो बेटा इसकी वजह से क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जब माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज बेटा इसकी चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि हीट अफेक्टेड जोन। एक हुआ किसकी वजह से, दिस इज दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट, हीट की वजह से हुआ बच्चों, हीट की वजह से हुआ तो इसको हम बोलेंगे हीट अफेक्टेड जोन, इसको हम बोलेंगे हीट अफेक्टेड। क्लियर बच्चों यहां तक? अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो बताइए, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए बताइए, एनर्जी नहीं है क्या भैया? रक्षाबंधन के बाद मिठाई मिठाई भी खाई होगी यार, और एनर्जी बढ़ जानी चाहिए आप लोगों को, लग रहा है कि एनर्जी खत्म हो गई है, क्यों बेटा? इंडियन आर्मी आजम,
टेस्ट कब होगा बेटा, इंडियन आर्मी टेस्ट कब होगा? अंशुल गुप्ता क्लियर हो, उपस्थित, वेरी गुड। टेस्ट कब रखें फिर बच्चों? टेस्ट अगर 9 बजे से हम क्लास रख लें तो आप लोग चाहें 11 से 12 टेस्ट रख सकते हैं, बताओ। 11 से 12 अगर टेस्ट रख लें, 9 से 11, 9 से 10:30 के आसपास तक क्लास रख लें, बताओ, तो काम चल जाएगा। आई विल चेंज के टेस्ट तो हो गई, टेस्ट तो हो गई बच्चे, टेस्ट तो हो गई, टेस्ट नहीं कहीं नहीं जाएगा, टेस्ट तो होना ही होना है बच्चों, टेस्ट तो होना ही है। तो बड़ा फेस को हम लिख सकते हैं, फेस को हम लिख सकते हैं द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ बेल्ट एट टॉप। ठीक है बेटा, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बेल्ट एट टॉप, ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बेल्ट एट टॉप इज कॉल्ड द फेस। हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा, यस, वहां पर तो पूरा काम प्रेशर से ही होता है आंसर, बिल्कुल बच्चे। एंड थ्रॉट दिस इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट एक्सक्लूडिंग रीइंफोर्समेंट। एक्सक्लूडिंग रीइंफोर्समेंट, ठीक है बेटा, सो दिस इज द थ्रॉट, दिस इज द थ्रॉट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पूरे पार्ट में बेटा आपको इस थ्रॉट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, रूट दिस इज द बॉटम सरफेस ऑफ बेल्ट, वैसे इन सब के बारे में पढ़ चुके होंगे हल्का हल्का आप लोग। ठीक है, और टॉय क्या होता है, दिस इज द जंक्शन बिटवीन फेस एंड बेल्ट एंड बेस मेटल। फेस एंड बेस मेटल, और रीइंफोर्समेंट क्या होता है, दिस इज द हाइट ऑफ बेल्ट अबव बेस मेटल। बेस मेटल के अबव जो हाइट होती है, दिस हाइट इज कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट। इसको बेटा कंसीडर नहीं किया जाता है इन द कैलकुलेशन, क्योंकि इस वाले पार्ट को कई बार क्या कर दिया जाता है, ग्राइंड वगैरह करके हटा दिया जाता है, ग्राइंड वगैरह करके इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका एक और टर्म बचा है, हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन, सो दिस इज द जोन नियर द बेल्ट, नियर द बेल्ट चेंजेस इन द माइक्रोस्ट्रक्चर हैपन्स बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। बच्चों तो ये सब पॉइंट थे यहाँ पर जो हमको बेल्डिंग के बेसिक वाले पार्ट में हमको यहाँ पर कंसीडर हम करते हैं या इनकी हमको जरूरत होती है। तो हमने देखा कि ये डिफरेंट जो टर्म थे हमारा, थ्रॉट, ट्वाय, फेस, ठीक है, बैकिंग स्ट्रेप, बेस मेटल, रीइंफोर्समेंट, इन सभी टर्म से आप लोग अब परिचित हो गए, इन सभी टर्म से आप परिचित हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बेटा हम देखेंगे
इसके बाद हम देखेंगे बच्चों एडवांटेजेस। बेल्टिंग के एडवांटेजेस, बेल्टिंग से बेटा क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बेल्टिंग के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों बेल्टिंग के एडवांटेजेस बताइए जरा। अंसल, परमजीत, इंडियन आर्मी, आजम, शुभम, भानु प्रताप, मेहल, मेहल नहीं आया आज तिवारी जी, तिवारी जी नहीं आए, और बताइए जरा बच्चों व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बेल्टिंग, बेल्टिंग जॉइंट्स के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, टेल मी। लीक प्रूफ जॉइंट बनता है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल लीक प्रूफ जॉइंट बनता है, और बताइए। फास्टेस्ट प्रोसेस होती है, बिल्कुल बच्चे लेस वाइब्रेशन, ये किसने बता दिया आपको बेटा लेस वाइब्रेशन, किसने बता दिया आपको बेटा अमन, यस पेरेंट मटेरियल से ज्यादा होती है, बिल्कुल तिवारी जी बिल्कुल हम सहमत हैं इस बात से आपकी, बिल्कुल बच्चों स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, लीक प्रूफ होता है, बिल्कुल बच्चों और बताइए। परमानेंट जॉइंट होता है, बिल्कुल बच्चे परमानेंट होता है, बिल्कुल और बताइए, बिल्कुल बच्चों बेल्डिंग कैन बी डन, बिल्कुल बच्चों कैन बी डन, इन एनी पोजिशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बिल्कुल तिवारी जी बिल्कुल और बताइए बच्चों। डिफरेंट मेटल कैन बी बेल्डेड, डिफ्यूज्ड, परमानेंट जॉइंट है तो वाइब्रेशन नहीं होंगे, अरे कैसी बात कर रहे हो, जॉइंट की वजह से थोड़ी ना वाइब्रेशन आते हैं यार, जॉइंट की वजह से वाइब्रेशन थोड़ी ना आते हैं, और होता कुछ पॉइंट, और नहीं होते कुछ पॉइंट, रिलायबल, रिलायबल नहीं होते बच्चों, और कुछ एज कंपेयर टू द बेल्टेड ज्वाइंट, एज कंपेयर टू द रिप्टेड ज्वाइंट, रिप्टेड ज्वाइंट की कंपेयर में कुछ और एडवांटेजेस होते हैं ना, अगर मैंने बेल्टेड बेल्टेड ज्वाइंट को और रिप्टेड ज्वाइंट को कंपेयर किया तो कुछ और एडवांटेजेस आ जाएंगे कि नहीं बताओ बच्चों, कुछ याद आ रहा है रिपीटिंग में और इसमें अंतर, कुछ कुछ तो याद आएगा यार, रिवेटिंग और बेल्टिंग में कुछ अंतर होता है, क्या अंतर होता है बच्चों उसके कंपेयर में, क्या क्या इसका एडवांटेजेस होगा बच्चों, रिवेटिंग में हम क्या करते हैं, यस बेटा लेस एक्सपेंसिव, बिल्कुल इकोनॉमिक हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, लाइट वेट होता है बच्चों, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होती है, वेरी गुड दिस इज द पॉइंट जो मैं निकलवाना चाह रहा था, नो होल रिक्वायर्ड, हेंस नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, बिल्कुल बच्चों दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बेल्टेड जॉइंट, लेस लेबोरियस, हाँ बिल्कुल बेटा यस, एडिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर्स आर इजी, बिल्कुल बच्चों यस स्मूथ होता है बच्चों एज वेल, स्मूथ एंड
ठीक है बेटा, एज वेल अगर हम देखेंगे ऑटोमेशन, पॉसिबल ऑटोमेशन पॉसिबल होता है बच्चों, मतलब ऑटोमेशन पॉसिबल है। ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी आपने पढ़ा होगा ना, मैनुअल वेल्डिंग, ऑटोमेटिक वेल्डिंग, तो ये सब बेटा एडवांटेजेस होते हैं जो वेल्डेड जॉइंट से हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो वेरियस एडवांटेजेस हमको बेटा यहाँ से मिल सकते हैं वेल्डेड जॉइंट से। तो पहला अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है बच्चों, यस स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। लीक प्रूफ जॉइंट आपको मिलता है, बिल्कुल बच्चों लीक प्रूफ जॉइंट मिलता है। परमानेंट जॉइंट मिलता है। वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किसी भी पोजीशन में हम कर सकते हैं। रिलायबल होता है, इकोनॉमिक होता है एज कम्पेयर टू द रिप्टेड जॉइंट, एज कम्पेयर टू द रिप्टेड जॉइंट। लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू द रिप्टेड जॉइंट। नो होल्स रिक्वायर्ड, नो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन, कोई स्ट्रेस कंसेंट्रेशन नहीं होता है। स्मूथ एंड द प्लीजेंट अपियरेंस होता है, वहां पर हम क्या कर देते हैं बेटा ग्राइंडिंग के द्वारा उसको स्मूथ बना देते हैं। ऑटोमेशन पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल बच्चों ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी पॉसिबल यहाँ पर है। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द वेल्डिंग। अब अगर हम बच्चों बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, अगर हम बच्चों बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बताइए बच्चों क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे वेल्डिंग के, वेल्डेड जॉइंट की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे बच्चों बताइए। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चों, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस तिवारी जी, आरके आजम, अर्सलन, अर्सलन नहीं आ रहा है आजकल, अर्सलन बिल्कुल वाइब्रेशन में बिल्कुल वीक होते हैं बच्चों, यस ड्यू टू द ब्रिटलनेस, ड्यू टू द ब्रिटलनेस बिल्कुल बेटा यस। ज्वाइंट में बिकम डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल बच्चे डिस्टॉर्टेड हो सकता है बिल्कुल। वाइब्रेशन क्या वाइब्रेशन बेटा भानु, क्या वाइब्रेशन, वेरी गुड वेरी गुड। परमानेंट डेफॉर्मेशन दिस इज नॉट द ड्रॉबैक, हम इसको ड्रॉबैक नहीं बोल सकते हैं। रेसिडुअल स्ट्रेसेस बिल्कुल बच्चे यस यस, ड्यू टू द हीट अफेक्टेड जॉइंट अगर हम देखेंगे रेसिडुअल स्ट्रेसेस वहां पर इंड्यूस हो जाती है, बिल्कुल बच्चे यस, हीट अफेक्टेड जॉइंट प्लेज द मेजर रोल, यस बच्चे बिल्कुल बच्चे। स्टक हो रहा है बच्चों वीडियो, स्टक हो रहा है ना वीडियो हल्का सा, यस बच्चों
इंस्पेक्शन इज कॉस्टली, दिस ऑल आर द ड्रॉबैक्स या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द बेंडिंग। ठीक है, सो वीक इन द इम्पैक्ट एंड द इम्पैक्ट लोडिंग एंड वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, और बेंडिंग कॉजेस बच्चों इसको नोट करिए, वेट फॉर अ मिनट, मैं थोड़ा सा देखूं क्या इशू आ रहा है टेक्निकल, एक बार मैं चेक करके देखता हूं बच्चों। ठीक है, वेट फॉर चलो बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया, अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेंडेड जॉइंट। Different types of the belted joint. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे different type of the belted joint. तो basically बेटा belted joint कितने type के होते हैं, कौन कौन से type के होते हैं बच्चों belted joint? Can you tell me the various types of the belted joint? कौन कौन से type के belted joint होते हैं बच्चों? एक रहता है हमारा वट बेल्ट, यस 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 बिल्कुल बच्चों वट बेल्ट होता है। एक वट बेल्ट में बेटा हम क्या करते हैं, जनरली जिन दोनों प्लेटफॉर्म को क्या करना होता है, ज्वाइंट करना होता है, उनको इस तरह से हम रखते हैं, इस तरह से हम रखते हैं और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहां पर बेल्टिंग कर देते हैं। इस तरह से हम ज्वाइंट कर देते हैं। यस बच्चे, दूसरा जो होता है हमारा, दिस इज द फ्लेट बेल्ट, फ्लेट बेल्ट उसको बोलते हैं या फिर लैप जॉइंट भी उसी को बोलता है, फ्लेट बेल्ट एंड लैप जॉइंट। इसमें जनरली क्या रहने वाला बेटा, प्लेट्स जिन प्लेटफॉर्म को बेटा जॉइंट करना है वो दोनों प्लेट्स क्या करेंगे, इस प्रकार से ओवरलैप रहेंगे, ओवरलैप रहेंगे और बेटा यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर बेल्डिंग कर देंगे, ये बेल्डिंग या यहां पर बेल्डिंग कर दी, यहां पर बेल्डिंग और इस तरह से लोड। जनरली बेटा इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बेल्डिंग कुछ इस तरह से बनी होती है, प्लेट बेल्ट अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह से बना होता है, जैसे हम टी जॉइंट भी बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर लोड लग रहा है, तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट अगर हम देखेंगे तो बट जॉइंट, फ्लेट बेल्ट या लैप जॉइंट, तो ये बेसिकली दोनों टाइप के हमको जॉइंट यहाँ पर पढ़ने हैं। और बट जॉइंट कोई नया नहीं है, हम ऑलरेडी रिपीटेड जॉइंट में और कह सकते हैं कि बोल्टेड जॉइंट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी बेटा हम रिपीटेड और बोल्टेड जॉइंट में बट जॉइंट को इन डिटेल देख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पर नहीं है। और फ्लेट बेल्ट बेटा वही ओवरलैप करना, और यहाँ पर बेल्टेड जॉइंट हम इस तरह से भी बना सकते हैं जो कि हमारा रिवेटिंग और बोल्टेड जॉइंट में पॉसिबल नहीं था, टी जॉइंट। ठीक है, तो एक अलग टाइप का हम जॉइंट यहाँ पर पॉसिबल कर सकते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं आगे। फर्स्ट वन इज द बट जॉइंट, पहले हम बट जॉइंट को डिजाइन करेंगे बच्चों, पहले हम बट जॉइंट को पढ़ेंगे। बट जॉइंट को वंस अगर हमने डिजाइन कर लिया, देन हम वी विल मूव टुवर्ड द लैप जॉइंट और बेल्टेड जॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे। तो बट जॉइंट अगर हम देखें बच्चों, तो सिंपल सा बट जॉइंट क्या रहता है, यहाँ पर इस तरह से जॉइंट बना है, इस तरह से। यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, अ बट जॉइंट कैन बी डिफाइंड एज अ जॉइंट बिटवीन द टू कंपोनेंट लाइन एप्रोक्सीमेटली इन द सेम प्लेन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सेम प्लेन बेटा जब यहां पर क्या करते हैं, प्लेट्स को लाई करते हैं और यहां पर लोड सब्जेक्टेड होता है, सो दिस इज कॉल्ड द बट जॉइंट। बट जॉइंट कनेक्ट द एंड ऑफ द प्लेट्स, एंड ऑफ द टू प्लेट्स,
जिन प्लेट्स को बेटा ज्वाइंट करना होता है तो बट ज्वाइंट क्या करता है, उनके एंड्स को कनेक्ट करता है, देखिएगा ए एंड्स को, जिससे बेटा यहाँ पर क्या है वो जो हमने पढ़ा था लास्ट वाले केस में, एक वेंडिंग मूवमेंट वाला जो डिस्टॉर्शन वाला केस था वो पॉसिबल नहीं होता, जो हमने रिपीटेड ज्वाइंट में पढ़ा था इन द लेफ्ट ज्वाइंट जो होता है। एंड बेसिकली बट ज्वाइंट में बेटा अगर हम देखेंगे, बट ज्वाइंट में बेटा अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होने वाला है, जो थ्रॉट हमारा रहने वाला है, दिस इज द थ्रॉट, दिस इज द थ्रॉट, दिस इज द थ्रॉट, ये जो थ्रॉट होने वाला है, ये जो थ्रॉट होने वाला है एच, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर लोड कैसा लग रहा होगा, टेंसाइल, तो ऑब्वियसली बट जॉइंट्स आर वीक इन द टेंसाइल। अब बेटा अगर हम देखेंगे तो बट डिफरेंट बट जॉइंट अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, डिफरेंट बट जॉइंट अगर बच्चे में यहाँ पर बनाता हूँ तो देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बट जॉइंट आपने देखे होंगे, शायद पढ़े भी होंगे इन द बेल्डिंग, और नहीं पढ़े तो आप पढ़ दीजिएगा। बेटा हम पहले क्या करते हैं, बेटा हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेट्स को इस प्रकार से एज बनाते हैं, जब हम बेटा बेल्डिंग करनी होती है तो डिफरेंट प्लेट्स का हम क्या करते हैं, इस तरह से एज बनाते हैं, इस तरह से एज बनाते हैं, इस तरह से एज बनाते हैं। एज बनाने के बाद जैसे बेटा ये जो बना हुआ है, जब प्लेट की थिकनेस हमने देखा कि व्हेन द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 5 mm, व्हेन द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 5 mm, तो उस कंडीशन बेटा हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लेट के दोनों एंड रहेंगे, उन दोनों एंड्स को इस तरह से हम क्या कर देंगे, फिलर मेटल से फिल कर देंगे, फिलर मेटल से इस तरह से फिल कर देंगे। सो दिस इज द स्क्वायर बट जॉइंट, दिस इज द स्क्वायर बट जॉइंट। प्लेट थिकनेस हमने देखा बेटा कि 5 mm से कम है तो वहां पर एंड्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप क्या करेंगे यहाँ पर हो जाता है काम। दूसरा होता है बेटा यहाँ पर हमारा दिस इज द जब आपने बेल्डिंग पढ़ाता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट पढ़े थे कि नहीं बच्चों, पढ़े थे ना? हाँ, वी जॉइंट विथ बैकिंग स्ट्रेंथ, पढ़े तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो वही तो अगर इस प्रकार से ये वाला पार्ट अगर आप पढ़ के आ जाते हो ना उसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो हमें आसान हो जाता है, हमें आसान हो जाता है बच्चों। दिस इज द डबल वी जॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंट जॉइंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर वी जॉइंट विद द बैकिंग स्ट्रेप, वी बट जॉइंट, डबल वी जॉइंट, बट जॉइंट, टी, ये डिफरेंट बने होते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस। लाइक वी बट जॉइंट अगर थिकनेस हमारा 6 to 20 mm तक होता है, स्क्वायर बट जॉइंट हमको मिल जाता है बच्चों जब प्लेट थिकनेस हमारा लेस देन 5 mm है, डबल वी बट जॉइंट जब थिकनेस मोर देन 30 mm होता है,
या टी अगर जब हमने देखा यू बच्चों जब टी हमारा ग्रेटर देन 20 होता है। यहाँ पर बेटा अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखेंगे सो स्क्वायर वट जॉइंट और इसके बाद अगर हम देखेंगे वी वट जॉइंट और इसके बाद अगर हम देखेंगे वी वट जॉइंट विथ बैकिंग स्ट्रिप और अगर हम देखेंगे डबल वी वट जॉइंट। ये हो जाएंगे बच्चों हमारे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा रिलायबल हमारा डबल वी बट जॉइंट, देन वी बट जॉइंट विद द बैकिंग स्ट्रेप, वी बट जॉइंट, ठीक है, स्क्वायर बट जॉइंट। इस प्रकार से इनकी रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होती है। इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बट बेल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द बट बेल्ट का हम निकालेंगे बच्चों क्या स्ट्रेंथ। तो बट बेल्ट की सबसे पहले बेटा अगर हमको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले जॉइंट बनाएंगे इस तरह से, जिन दो प्लेट्स को हमको ऐड करना था बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमको जिन दो प्लेट्स को ऐड करना था उन प्लेट्स को हम क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से इस तरह से बेटा जॉइंट बना हुआ है आपका, इस तरह से बच्चों जॉइंट बना हुआ है आपका, ठीक है, दिस इज द जॉइंट। तो बेटा अगर इस तरह से जॉइंट बना हुआ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट, दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक बच्चों, दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। और बेटा थ्रॉट कितना होगा यहाँ पर, थ्रॉट को बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा, थ्रॉट बेटा मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया बाय मींस ऑफ द एच, दिस इज द एच। अब बच्चों बताओ कि आप मुझे, कैन यू टेल मी कि जो बेटा बट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी, बट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी या बट जॉइंट को जो हम डिजाइन करेंगे वो किसमें करेंगे, टेंसाइल में या सियर में। बट जॉइंट को बेटा हम डिजाइन करेंगे टेंसाइल में या सियर में, किसमें डिजाइन करेंगे बच्चों। यहां पर अगर हम देखेंगे थ्रॉट सेक्शन पर, थ्रॉट सेक्शन पर बेटा अगर हम देखेंगे दिस इज द थ्रॉट सेक्शन, दिस इज द थ्रॉट सेक्शन, दिस इज द थ्रॉट सेक्शन। तो बेटा यहां पर हमने देखा था जैसा कि बट जॉइंट्स आर वीक इन द, बट जॉइंट्स आर वीक इन द टेंशन, तो बेटा हम यहां पर क्या करेंगे, बट जॉइंट्स आर डिजाइन इन बट जॉइंट्स आर डिजाइन इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ में इसको हम डिजाइन करेंगे। और बेटा अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ में डिजाइन करूंगा तो सिग्मा टी जो इंड्यूस हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा,
सिग्मा टी जो हमारा इंड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय एच इंटू एल। लिख सकता हूँ बच्चों इसको, एच इंटू एल लिख सकता हूँ। जो पी लोड लग रहा है, इस पी लोड की वजह से बेटा देखेंगे दिस इज द एल एंड दिस इज द एच। एच क्या हमारा थ्रॉट या मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एच इंटू एल, यहाँ से बेटा हम करेंगे और सिग्मा इंड्यूस निकल आएगा, सिग्मा इंड्यूस निकल आएगा। और बेटा अगर हम बात करेंगे फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, तो सेफ डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसेबल, या फिर कह सकते हैं पी डिवाइडेड बाय एच इंटू एल शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसेबल। तो पी यहां से हो जाएगा हमारा बच्चों एच इंटू एल इंटू सिग्मा परमिसेबल। एंड दिस विल बी द, एंड दिस विल बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बटमेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बटमेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बटमेट निकल आई। अगर बेटा आपको, अगर आपको बेटा यहां पर क्या दे रखा है, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट दे रखा है। तो बेटा इफिशियंसी ऑफ जॉइंट अगर आपको दे रखा है यहां पर, लाइक पी इक्वल टू दे रखा है एच इंटू एफ इंटू सिग्मा टी पर, इफिशियंसी का मल्टीप्लाई आप कहां करोगे बच्चों, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, अगर आपको इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट दे रखा है इनकेस, तो दिस इज द टी, दिस इज द एल, कहां लिख दिया बेटा मैं, अच्छा 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 यस अच्छा यस, इफिशियंसी का बेटा मल्टीप्लाई कहां पर होगा, यहां पर अगर यहां पर जॉइंट की इफिशियंसी आपको दे रखी है सपोज, तो यहां पर मल्टीप्लाई कहां होगा इफिशियंसी का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बताइए बताइए, सुस्त पड़े हुए आज बच्चे यार, सुस्त पड़े हुए एकदम। पी हमें क्या बता रहा है, पी हमें बता रहा है कि मैक्सिमम कितना टेंसाइल लोड ले सकता है, मैक्सिमम कितना टेंसाइल लोड ले सकता है। अगर एफिशिएंसी वाला टर्म आएगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई यहां पर ही होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अभी जॉइंट की एफिशिएंसी, अभी जॉइंट आप क्या कर रहा था, अभी जो जॉइंट था आपका वो 1000 न्यूटन का लोड ले रहा था, 1000 न्यूटन का लोड ले रहा था, और सपोज एफिशिएंसी आपको दे रखी 70%, तो लोड कितना लेगा, अब एक्चुअल में लोड लेगा वो 700 न्यूटन ऑब्वियसली। अब बेटा यहां पर हमने देखा बट जॉइंट में, देखिएगा एक पॉइंट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट बट जॉइंट में, अगर हम देखेंगे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो क्या है कि थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट। कई बार क्या होता है ऐसे, देखिएगा इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे एच इज इक्वल टू टी, आपको एच को निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, H is equal to T, H is equal to T दे रखा है आपको। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है कि जो प्लेट का थिकनेस है वो अनइवन होता है, प्लेट का जो थिकनेस है वो अनइवन होता है, अनइक्वल थिकनेस होता है। जब बेटा अनइक्वल थिकनेस होता है तो बच्चे वहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे वहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे, देखिएगा कुछ इस तरह से, अगर दो प्लेट है बच्चों और दोनों अनइक्वल थिकनेस की, सपोज इस तरह से बना दो बच्चों, this is T1 and this is T2,
इस केस में बेटा अगर हम देखेंगे एच कितना होगा आपका, इन दैट केस बेटा एच कितना होगा आपका, थ्रॉट थिकनेस क्या होगा, व्हाट विल बी द थ्रॉट थिकनेस क्या होगा बेटा तिवारी जी इस समय, व्हाट विल बी द थ्रॉट थिकनेस परमजीत, अंसल, आजम, इंडियन आर्मी। देखो हो गई गलती, देखो अंसल क्या बोल रहा है, मीन ऑफ द बोथ। और बताइए बच्चों, और बताइए जरा, तीन वन। देखो आजम कह रहा है टी वन, अमन बोल रहा है टी वन, और बताइए तिवारी जी, भानु, इंडियन आर्मी, शुभम, आरके, क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता बच्चे? यहां पर मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द एच, एच क्या है पहले ये आपको पता है? यही था कि नहीं, यही था कि नहीं? अरे भैया एच क्या है पहले, एच नहीं पता आप लोगों को? एच इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन थिकनेस, जहां पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन है वहां पर थिकनेस। क्यों बेटा? एक्चुअल में तो देखिएगा टेंसाइल लोड लग रहा है ना, एक्चुअल में तो अगर हम देखेंगे तो टेंसाइल लोड लग रहा है। और बेटा अगर टेंसाइल लोड लग रहा है, अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो यहां पर तो थिकनेस इतनी ज्यादा है। और अगर हम देखेंगे बच्चे यहां पर थ्रॉट थिकनेस, अगर हम देखेंगे बच्चे यहां पर, दिस विल बी द एच, ये वाला पार्ट है। लेकिन बीक तो यहां पर हो गया ना, यहां पर हो गया ना बीक, तो यार बीक तो यहां पर हो गया। तो बेटा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर एच इज इक्वल टू हो जाएगा टी टू। भाई यहां पर भी है लेकिन मिनिमम, अगर हमारा देखो इस तरह से लोड लगा हुआ है, इस तरह से लोड लगा हुआ है, इस तरह से लोड लगा हुआ है, तो बेटा जो सॉलिड पार्ट होगा जो इस लोड को बियर कर रहा है क्रॉस सेक्शन, यहां पर क्रॉस सेक्शन मिनिमम हो रहा है, यहां पर तो मैक्स हो रहा है, यहां पर तो स्ट्रेस कम होगा लेकिन यहां पर स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, यहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो फेल भी तो वहीं पर होगा, फेल भी तो वहीं पर होगा ना बच्चों। एक और केस, दिस इज द केस पर, केस सेकंड। देखिए बच्चों कुछ इस तरह से लगा हुआ है, सपोज सपोज कुछ इस तरह से बना हुआ है बच्चों कि आपने जहां पर बेंडिंग किया, जहां पर आपने बेंडिंग किया तो वहां पर बेटा क्या होता है, ड्यू टू सम इररेगुलरिटी, सम मतलब कुछ डिफेक्ट यहां पर आ जाता है, कुछ डिफेक्ट वगैरह बेटा यहां पर आ जाता है, इस तरह से नोच अगर बन गया वहां पर। कहते हैं ना कि हाई करंट कभी हो जाता है, कभी लो करंट हो जाता है, ड्यू टू द एक्सेसिव करंट बेटा अगर हम देखेंगे तो अंडरकट वगैरह बन जाते हैं। तो अगर आपने बेंडिंग किया और बेंडिंग किया और बेंडिंग करने के बाद बेटा यहां पर कुछ इस तरह से कट बन गया, अगर इन दैट केस एच क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी द एच, अगर कोई यहां पर इस प्रकार से अंडरकट वगैरह बन जाता है तो एच क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली सभी को समझ में आ रहा है, व्हाट विल बी द थ्रॉट, थ्रॉट बेटा अगर हम देखेंगे दिस दिस सेक्शन विल बी द एच, तो यहां पर एच हो जाएगा आपका बच्चों टी माइनस एक्स,
यहाँ सेक्स होता है को बिल्कुल बच्चों t माइनस एक्स। थर्ड केस बेटा अगर यहाँ पर बनाता हूँ, बेल्डिंग डिफेक्ट पड़े होंगे, बहुत सारे डिफेक्ट्स पड़े होंगे बेल्डिंग के, बहुत सारे डिफेक्ट्स वगैरह पड़े होंगे बच्चों बेल्डिंग डिफेक्ट्स। पोरोसिटी नाम सुना है, पोरोसिटी, पोरोसिटी वाला टर्म नाम सुना है, इस तरह से कोई पोरोसिटी रह गई बच्चों, इस तरह से कुछ पोरोसिटी वगैरह रह गया, दिस इज द टी, दिस इज द टी, ये रह गया डी डायमीटर का, डी डायमीटर का थ्रू आउट द लेंथ है, थ्रू आउट द लेंथ बना हुआ है, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ बना है, कुछ पार्ट तक बना हुआ, ठीक है। ये ट्रिप वगैरह रह जाती बिल्कुल बच्चे, यस यस यस। तो बेटा यहां पर एच क्या हो जाएगा, यहां पर एच क्या हो जाएगा, यहां पर एच हो जाएगा आपका टी माइनस डी। तो कभी अनइक्वल थिकनेस वगैरह से भी क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, तो आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मिनिमम थ्रोट थिकनेस आपको क्या लेना है। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फिर। इसके बाद हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? चलिए Try to solve this question. I will be back in a minute. एक मिनट में बैक, एक मिनट में आता हूँ बच्चों, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा? थोड़ा सा हाँ बच्चों, बन रहा है क्वेश्चन, a gas tank consists of the cylindrical cell of 2.5 meter inner diameter. It is enclosed by the hemispherical cell by means of the wet welded joint. The thickness of the cylindrical cell as well as the hemispherical cover is 12 mm. Determine the allowable internal pressure to which the tank may be subjected. If the permissible tensile stress in the bed is 85 MPa. ना बेटा ना रंजीत, ना ना बच्चे, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज लाइक एक पार्ट, तो यहां पर वेल्डिंग कर रखी है,
दिस इज द बैलेंट पार्ट। अब बेटा अगर हम देखेंगे यहां पर तो इस तरह से प्रेशर सब्जेक्टेड हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह से प्रेशर सब्जेक्टेड हो रहा होगा, तो ये पार्ट क्या कर रहा होगा, एलोंगेट होने की कोशिश कर रहा होगा, ये पार्ट एलोंगेट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहां पर क्या आने वाला है, टेंशन, यहां पर क्या आने वाला है, टेंशन। देखिएगा सेल का डायमीटर कितना दे रखा है, 2500 mm दे रखा है, थिकनेस कितनी दे रखी है बेटा, 12 mm, ठीक है। डिटरमाइन द अलाउबल इंटरनल प्रेशर टू विच द टैंक मे बी सब्जेक्टेड। जब इस प्रकार से बेटा लग रहा होगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस विल बी लोड, सॉरी परमिसिबल स्ट्रेस कितना दे रखा है, दिस इज ऑल्सो 85 मेगा पास्कल, परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑल्सो 85 मेगा पास्कल। जब बेटा परमिसिबल स्ट्रेस भी आपको दे रखा है, इन दैट केस बेटा क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स ऑन द प्लेट आपको फाइंड आउट करना है, टेंसाइल फोर्स ऑन प्लेट, प्लेट पर टेंसाइल फोर्स कितना आएगा बच्चों, नहीं बेटा 4.08 नहीं आ रहा आंसर, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। टेंसाइल फोर्स अगर हमको निकालना है, टेंसाइल फोर्स अगर हमको निकालना है बच्चों, तो टेंसाइल फोर्स हमने अभी निकाला था क्या होता था, पी इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, इफिशियंसी तो नहीं दे रखा है, नहीं इफिशियंसी नहीं दे रखा, इफिशियंसी कहीं नहीं दे रखा, तो दिस विल बी द लेंथ इंटू एच इंटू सिग्मा टी पर, यही होगा जो फोर्स वहां पर, टेंसाइल फोर्स वहां पर सब्जेक्टेड हो रहा होगा, ठीक है। तो बेटा जो इसकी लेंथ होगी, बेल्ट का लेंथ कितना होगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एल, एल क्या होगा बच्चों, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बेल्ट, What will be the length of the belt? अरे भैया अगर हम देखेंगे length of the belt पूरे circumference के along होगा कि नहीं? Hemispherical जोड़ा हुआ है उसके circumference के along होगा कि नहीं? देखिए along होने वाला है। Length of the belt will be the length of the belt will be equal to the circumference circumference of the सिलेंड्रिकल जॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, पाई डी, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी, लेंथ इज इक्वल टू अगर पाई डी हो गया तो यहां से हमारा पी निकल आएगा, पी हो जाएगा हमारा सॉरी एच इंटू पाई डी और हो जाएगा आपका सिग्मा, एच हमारा किसके बराबर, थिकनेस के बराबर हो जाएगा, एच हमारा थिकनेस के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी 12 पाई 2500 into sigma t कितना है बच्चों, 85 megapascal, 85 p निकालो बेटा कितना निकला यहां से, और अगर हम बेटा प्रेशर की बात करते हैं, एलावल इंटरनल प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द लोड डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, लोड निकाली बच्चों यहां से कितना निकला, लोड कितना निकला बच्चों, 8011061.26 न्यूटन, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8011061.26 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, यहां से बेटा आपका प्रेशर निकल आएगा, टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर,
1.62 यस 1.632 मेगापास्कल। दिस इज द इंटरनल प्रेशर व्हिच इज सब्जेक्टेड बाय द इंटरनल प्रेशर विच इज सब्जेक्टेड बाय द वेरी गुड कंचन बहुत अच्छा निकाल लो। यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? टेंसाइल लोड की वजह से तो बेल्ट में खींचने वाला है ना, तो टेंसाइल लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। एक बेटा गेट में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, यहां से ट्राई टू सॉल्व इट, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। आंसर बेटा 50 आए नहीं आएगा आंसर 50 नॉट 50 विल नॉट बी करेक्ट आंसर। और बताइए बच्चों, और बच्चों का क्या आ रहा है आंसर? व्हाट द अदर स्टूडेंट आर गेटिंग? आज उच्च स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, बट मैंने सोचा क्लास मिस ना हो बच्चों की। There is a undercut. There is a undercut. Sushil Kumar, 70 is the correct answer. 70 is the correct answer. Plate thickness is 8 mm. This is the 8 mm. और इसका width कितना दे रखा है? अगर इस तरह से हम निकालेंगे तो this width is 20। H कितना हो जाएगा बच्चों? 8 - 3 दिस विल बी द 5 mm। ठीक है? और वी नो दैट द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितना होता है हमारा? दिस इज द H L into sigma t।
अब बेटा सिग्मा टी यहाँ पर हम कौन सा देंगे, सिग्मा टी एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिग्मा टी परमिसेबल नहीं है, तो हमारा फेलियर जस्ट क्या बोल रहा है वो, द मैक्सिमम ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डेवलप्ड वेल्डेड जॉइंट। तो बेटा देखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दे रखा है, तो बट वेल्ड इज डेवलप्ड ऑन द स्टील ब्लेड हैविंग द यील्ड एंड द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द 500 700 रेस्पेक्टिवली। तो बेटा यहाँ पर जो फेलियर होगा वेल्डेड पार्ट में, जो यहाँ पर फेलियर होगा वो फेलियर कब होगा, जब उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा ना भाई, यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग वाले पार्ट के हम नहीं बेटा यील्डिंग को फेल नहीं लेंगे, यहाँ पर मटेरियल पूरा ब्रिटल हो चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड आंसर कि बेटा यहाँ पर ड्यू टू द वेल्डिंग, अगर हम देखेंगे वेल्डिंग की वजह से बेटा हमने देखा कि मटेरियल यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल यहाँ पर हो गया हमारा, मटेरियल हमारा हो गया कैसा, वेल्डेड ब्रिटल, ब्रिटल हो गया, और बेंडिंग की वजह से ब्रिटल इन नेचर हो गया, ब्रिटल इन नेचर होने की वजह से बेटा इसका फेलियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फेलियर स्ट्रेस क्या होने वाला है इसका, फेलियर स्ट्रेस इसका होने वाला है बच्चों, यहां पर फेलियर स्ट्रेस इसका होने वाला है क्या, अल्टीमेट। तो यहां पर हो जाएगा 5 × 20 × 700, यहां से बच्चों अगर हम निकालोगे सभी बच्चों को क्लियर है वाला पॉइंट कि यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों लिया, बिकॉज ड्यू टू द बेल्डिंग अगर हम देखेंगे जॉइंट हमारा कैसा हो जाता है, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर हो जाता है जॉइंट, और जॉइंट जब ब्रिटल इन नेचर हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर फेलियर किस में होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस में, यहाँ पर फेलियर रहने वाला आपका इन अल्टीमेट स्ट्रेस। बहुत अच्छे, नाउ वी विल मूव टूवर्ड द फ्लिट जॉइंट और द लैप जॉइंट, उसी को फ्लिट जॉइंट भी बोला जाता है और उसी को लैप जॉइंट भी बोलते हैं, फ्लिट जॉइंट या लैप जॉइंट। तो फ्लिट जॉइंट और लैप जॉइंट से मतलब क्या होता है कि जहां पर बेटा टू प्लेट्स क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, जहां पर टू प्लेट्स क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो, ठीक है। इसके कल क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके इन द टेस्ट, टेस्ट में कुछ और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, टेस्ट कंडक्ट होगा बच्चों, टेस्ट ऑन द स्पेशल क्लास, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, इट विल बी फ्रॉम 8:45 AM to 9:45 AM, ठीक है, कुछ टेस्ट करेंगे ऑन द स्पेशल क्लास, माय प्रोफाइल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से बच्चों फॉलो कर ले मुझे। तो बेटा हमारा लैप जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट इज अ जॉइंट बिटवीन टू ओवरलैपिंग प्लेट्स, फुल कल बेटा फुल सिलेबस रखें, कल फुल सिलेबस टेस्ट रखें, फुल सिलेबस इंदा सिंध की जो तीन चैप्टर हमारे हो चुके हैं वहां तक का टेस्ट रखा जाए, कल पढ़ के आइएगा तो कल फिर फुल सिलेबस टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लाइक इस तरह से बेटा, इस तरह से यहां प्लेट को बेटा हमने ओवरलेप किया और ओवरलेप करने के बाद हमने यहां पर क्या बना दिया, एक जॉइंट बना दिया, या फिर प्लेट हमने इस तरह से ली, इस तरह से, और बेटा हमने यहां पर क्या किया, जॉइंट, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है बच्चों, फुल सिलेबस हो जाएगा, फुल सिलेबस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें फ्लिट बेल्ट में, अगर हम देखेंगे फ्लिट बेल्ट में, अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो फ्लिट बेल्ट हमारा क्या होता है, फ्लिट बेल्ट में अगर हम बेटा बात करेंगे, ये दो तीन टाइप का रहता है बच्चों, फ्लिट बेल्ट, फ्लिट बेल्ट अगर हम देखेंगे दो तीन टाइप का रहता है, एक रहता है हमारा पैरेलल फ्लिट बेल्ट, दूसरा रहता है हमारा ट्रांसवर्स फ्लिट बेल्ट, ट्रांसवर्स फ्लिट बेल्ट, और एक रहता है बच्चों हमारा क्या, कंपाउंड, फ्लिट बेल्ट,
कंपाउंड फिलेट। पैरेलल फिलेट बेल्ट मतलब फिलेट बेल्ट को बेटा हम दो तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द पैरेलल फिलेट बेल्ट, सेकंड वन इज द ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट, थर्ड वन इज द कंपाउंड फिलेट बेल्ट। ठीक है बच्चों, तो इनका क्या होता है अलग अलग मतलब होता है। लाइक पैरेलल फिलेट बेल्ट की बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने अगर दोनों प्लेट्स ली और उन प्लेट्स को बेटा बेल्ट कुछ इस तरह से किया, ऐसे दो प्लेट्स ली हमने और दो प्लेट्स को ली और उनको बेल्ट कुछ इस तरह से किया। लाइक दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स को हमको ज्वाइंट करना है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड, और हम देखते हैं बच्चों लेंथ ऑफ द बेल्ट, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड और लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो बेटा अगर हमने बेल्ट क्या किया है, इस लाइन ऑफ एक्शन की पैरेलल किया, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज द पैरेलल टू द एक्शन ऑफ द लोड, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज पैरेलल टू द एक्शन ऑफ द लोड, एक्शन ऑफ द लोड, देन वी से दैट दिस इज द पैरेलल फिलेट बेल्ट, वी से दैट दिस इज द पैरेलल फिलेट बेल्ट। ठीक है बेटा, और अगर इस प्रकार से पैरेलल ना करके हमने क्या किया, दूसरी तरीके से किया हमने इस प्रकार से, यहां पर अगर केवल बेंडिंग किया, यहां पर बेंडिंग किया और यहां पर बेंडिंग किया, सो दिस विल बी द ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बेल्ट, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बेल्ट, ये लेंथ ऑफ द बेल्ट की अगर बेटा परपेंडिकुलर हो जाता है सो वी से दैट इट इज द ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट। और कंपाउंड फिलेट बेल्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों का कंबाइंड, पैरेलल भी बना हुआ है और ट्रांसवर्स भी, दोनों का कंपाउंड। तो ये रहता बेटा, इसमें हमको वन बाय वन सभी के पढ़ने होंगे टाइप्स ऑफ द फिलेट बेल्ट में। अगर हम देखें पहला हमको पैरेलल फिलेट बेल्ट, पैरेलल फिलेट बेल्ट हमें पढ़ना है, तो पैरेलल फिलेट बेल्ट बेटा मैंने जैसा अभी डायग्राम बनाया, ठीक है, हमने इस तरह से लोड सब्जेक्टेड कर रहा है, दिस इज द टॉप व्यू, हम बेटा ये देख रहे हैं टॉप से, दिस इज द टॉप व्यू। और बेटा अगर हम फ्रंट व्यू इसका बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं साइड व्यू बेटा अगर हम इसका बनाते हैं, यहां पर बैठेंगे, दिस इज द बैटेड पार्ट, दिस इज द बेल्टेड पार्ट, ये यहाँ पर बेल्टिंग कर रहा है। तो बेटा इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे, इस प्रकार से अगर लोड लग रहा है पैरेलल फिट बेल्ट में, तो यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रेस इंड्यूस होगी बच्चे, कैन यू टेल मी व्हिच टाइप ऑफ द शियर स्ट्रेस विल इंड्यूस्ड हियर, बेल्टेड जो पार्ट है ना, बेल्टेड पार्ट में किस टाइप की स्ट्रेस यहाँ पर आने वाली है बच्चों, which type of the shear stress will induced, इस टाइप की स्ट्रेस आएगी बच्चों, इस टाइप की स्ट्रेस यहां पर इंड्यूस होने वाली है बच्चों, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, यहाँ पर लोड कैसा लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब बेटा मैंने इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को यहाँ पर बनाया है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर बनाया है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा अगर हम देखेंगे,
ये जो लेंथ होने वाली, ये जो लेंथ होने वाली, दिस विल बी द एच एंड दिस विल बी द टी, और ये भी हमारा बेटा टी। सो टी इज द साइज ऑफ द बेल्ट, यहां पर कह सकते हैं, और बेल्ट लेग, इसको हम बोलते हैं बेटा लेग ऑफ द बेल्ट, सॉरी लेग ऑफ द बेल्ट, लेग ऑफ बेल्ट, लेग ऑफ बेल्ट। एच हमारा हो जाएगा थिकनेस ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शन, थिकनेस ऑफ द मिनिमम क्रॉस सेक्शन, यहां पर थिकनेस ऑफ द मिनिमम क्रॉस सेक्शन। और बेटा यहां पर जो है, यहां पर लेने वाला एल, एल होने वाला हमारा लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट। बेटा यहाँ पर अगर मैं इस थ्रॉड सेक्शन की बेटा मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर इसका अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़े रूप में बनाता हूँ, लाइक हियर, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन होने वाला, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्रोट, थ्रोट का क्रॉस सेक्शन रहने वाला बच्चों, और दिस हाइट इज द, दिस इज द एच एंड दिस वन इज द एल। तो बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे एरिया, अगर हम देखेंगे तो एरिया विल बी द एच इंटू एल, एच इंटू एल, एच इंटू एल रहने वाला है। और बेटा एच और टी, दिस वन इज द टी, दिस वन इज द टी, एच और टी में कोई रिलेशन होगा बच्चों? यहां पर ये बेटा हमारा रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये अगर 45 डिग्री पर है बच्चों तो एच और टी में कोई रिलेशन बनेगा बच्चों? यहां पर कुछ रिलेशन बनेगा बच्चों? मिनिमम थिकनेस कहां पर होती है बच्चों? मिनिमम थिकनेस हमारा 45 डिग्री पर होती है कि नहीं? अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर बच्चों देखेंगे, ए यहां पर अगर हम देखेंगे, दिस यहां पर होगा परपेंडिकुलर, यहां पर होगा परपेंडिकुलर, और ए अगर हम देखेंगे बच्चों, दिस इज टी, दिस इज टी, ये दोनों अगर टी टी है बच्चों तो ऑब्वियसली यहां पर एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। This one will be also 45. This one will be also 45, because this is also perfect. यहाँ पर कुछ relation बनेगा बच्चों? H और T में. This is the H. क्या बच्चों मैं H is equal to लिख सकता हूँ? H is equal to 0.707 T लिख सकता हूँ बच्चों? अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको प्रूफ भी करवा दूंगा. अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको प्रूफ करवा दूंगा. वैसे 45 डिग्री पर बनता है बच्चों, तो एच हमारा क्या हो जाएगा? एच हमारा हो जाएगा बेटा 0.707 ऑफ टी. इज दैट क्लियर? क्या बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई है? एच इज इक्वल टू 0.707 टी कैसे हुआ? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बताइए जरा यार, जल्द से मैं छोड़ने वाला हूं, लेकिन एनर्जी एनर्जी रखिए, एनर्जी रखिएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
लिख सकते हैं सीयर स्ट्रेस इंड्यूस कितना हो जाएगा, दिस विल बी द लोड डिवाइड बाय एच इनटू एल, या फिर बेटा मैं लिख सकता हूं इसको क्या हो जाएगा बेटा, सीयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड एच कॉस 45। यस बच्चे वही 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 आंसर, यस टाउ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और बेटा यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन This is the shear strength of parallel split bed, ये हो जाएगा बेटा shear strength of the parallel split bed, shear strength of the parallel split bed पैरेलल फिट बेल, या फिर कह सकते हैं। देख बेटा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है कि अभी मैं जो स्टडी कर रहा हूं बच्चे, अभी मैंने केवल यहां पर लेकर की स्टडी की, मतलब मैंने माना कि बेल्डिंग मैंने एक साइड की, बेल्डिंग मैंने अब एक साइड की। अब अगर बेटा मैं क्या करता हूं, अब बेटा अगर मैं क्या करता हूं, अब बेटा अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने प्लेट ली, यहां पर ए प्लेट ली, और इसके दोनों साइड अगर मैंने बेल्डिंग कर दी, बेटा अभी से दिसंबर तक तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप बिल्कुल जीरो है टेक्निकल, काफी टाइम पहले छोड़ चुके हैं प्रदीप यादव, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम से मैं एकदम तोप बन जाऊं एकदम से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्निकल आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वर्कलोड भी ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, और यूपीपीएससी का बेटा पेपर का भी कोई डेट निश्चित नहीं है, बट हाँ कंटिन्यूसली 3-4 घंटे निकालिएगा, 3-4 घंटे बेटा आप निकालेंगे टेक्निकल वाले पार्ट के लिए, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप सोचो कि दिसंबर तक मैं तोप चीज बन जाऊं एकदम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा बच्चों, टाइम लगेगा। सो वो डिपेंड करेगा कि आप बेटा कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम आप दे पा रहे हो। तो बेटा ये दिस विल बी द डबल सीयर पैरेलल फिलेट बेल्ट, और बेटा यहां पर अगर हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एरिया और यहां पर एरिया, तो पी एस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी द 2 times ऑफ बेटा 2 में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिस वॉज द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल पैरेलल फ्लिट बेल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डबल पैरेलल फ्लिट बेल्ट, डबल पैरेलल फ्लिट बेल्ट, डबल पैरेलल फ्लिट, दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द डबल पैरेलल फ्लिट बेल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द डबल पैरेलल फ्लिट बेल्ट, ठीक है बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ द डबल पैरेलल फ्लिट बेल्ट, दिस वाज फॉर द सिंगल, ठीक है, सिंगल और डबल का मतलब क्या होने वाला बेटा, मैंने एक साइड की या दोनों साइड की, एक साइड की या दोनों साइड की, ठीक है बच्चे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डबल पैरेलल फ्लिट बेल्ट दे रखा है तो आप 2 कर दोगे, अगर सिंगल दे रखा है तो 1 कर दोगे, यहां तक तो हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अच्छा कुछ प्रिपरेशन है, कितना टाइम हो गया बेटा छोड़े हुए प्रदीप? देखो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चीजें याद होंगी, वो आपने कितना टाइम हो गया छोड़े हुए, कितने टाइम से आपने टेक्निकल में बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है, उस पर डिपेंड करेगा बेटा कितना टाइम हो गया छोड़े हुए बच्चे। फोर मंथ था, नॉट अ बिग टाइम, नॉट अ बिग टाइम, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बच्चे। अगर चार ही महीने हुए हैं देन यू कैन बेटा, वो सिंपल से टर्म डिपेंड करेगा कि आप कितना वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, कितना आप टीचिंग के लिए टाइम दे पा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है बच्चे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पिछला आपने कितना मेहनत किया था। अब फिर तो कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो, यस डियर यू कैन डू। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, हो सकता है कोई बड़ी बात हो। कर सकते हो बेटा, बेटा प्रदीप अगर आप लेस टाइम में मतलब सफिशियंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्टेड सब्जेक्ट का, सो यू कैन कम अंडर माय गाइडेंस, आप मेरे गाइडेंस में बेटा कर सकते हैं। यू कैन यूज माय कोड KPS by T एंड टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का ले लीजिएगा, 6 मंथ का ले लीजिएगा। और प्रॉपरली बेटा मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना आपको जरूरत है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस सो यू कैन यूज दिस कोड एंड सब्सक्राइब फॉर द प्लस के लिए बेटा सब्सक्राइब कर सकते हैं, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर नहीं किया है तो। इन दिस लेस टाइम बेटा अगर आप करना चाहते हैं गो फॉर द प्लस, वेरी गुड अंशु, वेरी गुड यस वेरी गुड। वेरी गुड अच्छी, वेरी गुड। देखो बेटा स्टील प्लेट 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक, प्लेट का थिकनेस कितना है 10 mm, दिस इज द जॉइंट, इस तरह से जॉइंट बना है बच्चों। अगर मैं इसका इस तरह से जॉइंट बना है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, दिस विल बी ऑल्सो थिकनेस, ये भी थिकनेस हो जाएगा। हाँ डबल देखना है ना बेटा, डबल देखना है बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बच्चा अगर हम देखेंगे तो T is the 10 mm, load is the 50 kN, okay, and tau permissible is 94 MPa, ठीक बच्चों। देन बेटा अगर हम PS निकालेंगे मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट कर सकते हैं, 2 × 0.707 T × L tau, this is 50 × 10⁻³, 2 × 0.707 10 × L tau permissible, यहां से बच्चों L निकालोगे तो दिस विल बी 37 point, कितना आ रहा है 6 point। मतलब बेटा टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना होगा, दिस L पूछा है ना, AL पूछा है, दिस इज द 37.61, और टोटल लेंथ अगर हम देखेंगे दिस L इनटू दिस L, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अगर हमसे पूछा है ना, टोटल लेंथ, अभी केवल हमसे क्या पूछा, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो हमारा आंसर यहां पर ये हो गया,
दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर, वो निकल आया हमारा। ठीक है, टोटल लेंथ एल ए और एल ए, तो टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, अगर टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट पूछा है क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 37 इंटू 6 पर इंटू 2। समझ गए बच्चों, कैपिटल एल कितना हो जाएगा, स्मॉल एल प्लस स्मॉल एल। अगर बेटा मैं कैपिटल एल यूज कर रहा हूं, दिस इज फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, समझ में आ रहा है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है बच्चों, बताइए सर, एक और कर दीजिए। निकालिए बच्चों क्या होगा आंसर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 60 mm long and the 6 mm thick flat belt carries a steady load of the 15 kN along the belt. Length कितना दे रखा है बच्चों? क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? This will be the load divided by 0.707 T into L is equal to SYS divided by factor of safety. So this is the 15 kilonewton into 0.707 6 into 60 is equal to 200 divided by factor of safety. The factor of safety yahan se aap nikalenge, this will be 3.4. 3.4 ही है, यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो बताइएगा, जितने बच्चे हैं सभी से बन गया। अनुप्रताप बन गया बेटा, रणजीत, इंडियन आर्मी, तिवारी जी, शुभम, अमन, अंसोल, आजम, सुशील, खट्टर जी, क्लियर है बच्चा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो आज के लिए यहीं पर विराम दें फिर, आज के लिए यहीं पर विराम दें। अब जो आपका ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट है ना, इसको कल स्टार्ट करें।
हाँ हाँ बिल्कुल, इसको कल करें, ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट को अब कल किया जाए। हाँ आप कल करेंगे इसको? तो हम कल करेंगे आराम से। हाँ ठीक है बच्चों। नहीं बच्चों, कल टेस्ट में हमारा, कल टेस्ट का सुन लीजिएगा, कल टेस्ट में आएगा हमारा डायनेमिक लोड, थ्योरीज ऑफ फेलुअर, और आएगा आपका रिवेटेड बोल्टेड जॉइंट, ये सब है। हाँ बच्चों आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, मामला मामला गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, एंड लाइक दिस वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। यूज दिस कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को आप जो है बिल्कुल बच्चों जल्दी से रिकवर करेंगे। यस यस यस, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय।